ये एक ऐसी टेबल है जिसमें दूसरी दुनिया का रास्ता छिपा है, जहाँ पर भयानक जीव रहते हैं। दरअसल ये एमिली नाम की लड़की एक घर में आती है जहाँ वो अपने भाई को ढूंढने के खातिर आई थी, जो काफी हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकला था। पर इसे उसका भाई घर पर नहीं मिलता, लेकिन उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जो इस पर्दे से ढकी चीज से आ रही थी। लड़की उस पर्दे को जैसे ही हटाती है तो उसे वहाँ पर एक टेबल मिलती है जिसमें अजीब छेद हो रखा था और एक हरे रंग की रोशनी उस छेद से बाहर निकल रही थी। जब लड़की उसके पास जाकर देखती है तो उसे ये छेद काफी गहरा लगता है, जैसे मानो ये जमीन में बना एक रास्ता हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये टेबल नीचे से बिल्कुल ठीक थी, जिससे लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो उस छेद में अपने फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। पर उसका कैमरा जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो रही थी। पर थोड़ी देर बाद अचानक उसकी रिकॉर्डिंग सही हो जाती है। लेकिन जब लड़की फोन को वापस निकाल कर उसमें रिकॉर्डिंग को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये छेद काफी गहरा था। साथ ही इस रिकॉर्डिंग में उसे अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अजीब छेद वाली टेबल उसके भाई के घर में क्या कर रही है। वो तुरंत अपने बाप को कॉल लगाती है, लेकिन उसका बाप आउट ऑफ कंट्री था, जिस वजह से उसे यहाँ आने में 2 से 3 दिन लगने वाले थे। तो लड़की आज रात यही अपने भाई के इंतजार में रुक जाती है। पर जब रात तक उसका भाई घर पर नहीं आता तो वो उसके लैपटॉप को चलाने लगती है, जिसमें उसे कुछ डिलीट करी हुई फाइलें और वीडियो मिलती है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट 18 के नाम से वीडियो और ऑडियो फाइल थी, साथ ही एक रूल्स के नाम से PDF भी थी। फिर लड़की वीडियो ऑन करके देखने लगती है तो ये वीडियो उसी टेबल वाले छेद की थी जिसे इसका भाई रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो उस रूल्स वाली PDF फाइल को ओपन करती है तो उसमें लिखा था कि उस टेबल को हमेशा पर्दे से ढके रखना, वरना उसमें से भयानक जीव निकलकर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया का रास्ता था। अब लड़की को सब कुछ समझ में आ गया था तो लड़की भाग कर तुरंत उस टेबल को पर्दे से ढक देती है। पर अब लड़की को काफी देर हो गई थी, क्योंकि उसे अपने सामने एक अजीब परछाई दिख रही थी जो लगातार उसी की तरफ बढ़ रही थी, जिससे लड़की डरकर अपनी जान बचाने के खातिर एक कमरे में जाकर छिप जाती है। पर उसे कमरे के नीचे उस चीज की परछाई अभी भी दिख रही थी। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगी, लेकिन अब वो परछाई एक पेड़ में बदल चुकी थी जो इसके दरवाजे के पास आकर गेट को खोल ही रही होती है कि दूसरे कमरे में पड़े इसके फोन की मैसेज वाली घंटी बजने लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर उस कमरे की तरफ चला जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की यहाँ से भागने का सोचती है। वो धीरे धीरे मेन गेट की तरफ जा रही थी, लेकिन लड़की ने जैसे मेन गेट का दरवाजा खोला कि तभी उसे अपने पीछे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आखिर उस लड़की के साथ अब क्या हुआ होगा, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा।